स्वामी एरी एक बेरानी घड़ा ठुआ दे हरियु जाता को न ठाया तारा जी स्वामी मेरे घड़े को हाथ लगाने से आपकी काया पवित्र हो जाएगी, लेकिन महारानी जी इस शरीर को तो आप इस वरना के जल में धोकर भी साफ कर सकती हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं आपके घड़े को हाथ नहीं लगा सकती। सुन लीजिए तारा जी, तेरे घड़े के हाथ लगाऊं तो धर्म बिगड़ जा मेरा, तेरे घड़े के हाथ लगा जो धर्म बिगड़ जा मेरा, धर्म कर्म के बारे में मन पाटा को नारी बेरा। महारानी तारा जी स्वामी, इस घड़े में वजन ज्यादा होने के कारण इसे नहीं उठा पा रहा मेरा जर्जर शरीर है, थोड़ा सहारा दे दे, तेरा बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। मेरी बात को जरा गौर से सुन ले, एक विधि मैं तने
मेरी गोता मारने का यतन बताया और तले हो काल पियाजी काहे को घबराया हो और तले हो काल पियाजी काहे को बहुत सा जल है। अपने शरीर को धो करके चाहे स्नान करके पवित्र कर सकती हो। मेरी बात को जरा गौर से सुन करके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वामी, लेकिन जहाँ आप रहते हैं और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ दोनों जगह में फर्क है। मेरा ब्राह्मण के घर तेरा है और मैं आपके घड़ी को हाथ नहीं लगा सकती। मरी बात सुनी करा रही साथ भेजता है। सत्य सत्य जीवन मानी लाभ हानि यश अपयश ये विधाता के हाथ में होता है, मनुष्य मात्र के हाथ में बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी बात गौर से सुने जरा। लिए ते हो जा सोच समझ के ओ सहजन तू सुकृत के फल को जा अरे सोच समझ के ओ सहजन तू सुकृत के फल को जा जो नहीं अगत की बात बिचारे वो रहम कटे हो जा समय बिताया लक्ष्मी
वचन